दोस्तों, क्या आप लोग कभी जू गए हैं? क्या आप लोगों ने जू में जाकर कभी हाथी को देखा है? क्या आप लोगों ने कभी ये गौर किया है कि इतना बड़ा हाथी एक नन्हे से लकड़ी के खूंटे और चेन से बंधा हुआ होता है? अब क्या यह देखकर आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आता कि ये इतना बड़ा हाथी जो एक झटके में किसी भी पेड़ को तोड़ सकता है, वो नन्हे से लकड़ी के खूंटे और चेन से कैसे बंधा हुआ होता है? वो चाहे तो कभी भी उस खूंटे और चेन को तोड़कर वहाँ से भाग सकता है, लेकिन फिर भी वो उस खूंटे को तोड़ता नहीं, उस चेन को तोड़ता नहीं, वहाँ से भागता नहीं। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? फ्रेंड्स, एक्चुअली इसके पीछे हाथी का अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है, उसका अपना एक विश्वास होता है। एक्चुअली होता यह है कि जब वो एलिफेंट छोटा होता है, जब वो एक बेबी एलिफेंट होता है, तब उसका ट्रेनर उसको एक मजबूत मोटी चेन और मजबूत मेटल के खूंटे से बांधता है। अब बेबी एलिफेंट को तो अपना फ्रीडम पसंद है, उसको तो अपनी आज़ादी पसंद है। अब वो हर बार खुद को उस खूंटे और चेन से आज़ाद करने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि उस चेन को तोड़ सके या उस खूंटे को तोड़ सके, लेकिन वो मेटल का खूंटा और वो मोटी चेन इतना मजबूत होता है कि उस बेबी एलिफेंट के बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो टूटता नहीं है। इनफैक्ट उल्टा, जब भी वो बेबी एलिफेंट उस खूंटे और चेन को तोड़ने के लिए झटके देता है, तो उल्टा उसके पैर में ही चोट लग जाती है, उसका पैर कट जाता है और उसके पैर से खून निकलने लगता है। वो बेबी एलिफेंट खुद को आज़ाद करने की बार बार कोशिश करता है और हर बार आज़ाद होने की जगह या आज़ाद होने की बजाय उस बेबी एलिफेंट को उसके अपने पैर में चोट लग जाती है। एक समय आता है कि वो बेबी एलिफेंट खुद को उस मेटल के खूंटे और मोटी चेन से आज़ाद करने की कोशिश करना बंद कर देता है। वो अपने दिमाग में इस विश्वास को बिठा लेता है कि वो उस खूंटे को तोड़ नहीं सकता, वो उस चेन से खुद को आज़ाद नहीं कर सकता। इनफैक्ट वो जब भी उससे आज़ाद होने की कोशिश करेगा तो उल्टा उसके पैर में ही चोट लगेगी, उसको ही दर्द तकलीफ झेलनी पड़ेगी। अब फ्रेंड्स, धीरे धीरे वो हाथी बड़ा होता जाता है। उस एलिफेंट का ट्रेनर उस मेटल के खूंटे को लकड़ी के खूंटे से बदल देता है। वो 100 किलो का बेबी एलिफेंट एक बड़े 5,000 किलो के बड़े हाथी में बदल चुका है और वो एक मजबूत मोटा मेटल का खूंटा एक नन्हे से छोटे से लकड़ी के खूंटे में बदल चुका है। फिर भी वो हाथी उस खूंटे को तोड़ने की कोशिश नहीं करता। वो चाहे तो उस खूंटे को तोड़कर कभी भी भाग सकता है, लेकिन फिर भी वो उस खूंटे को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में वो दर्द, वो तकलीफ रह जाती है जो कि उसने बचपन में झेली है उस खूंटे को तोड़ने की कोशिश में। वो अपने मन में इस विश्वास को, इस लिमिटेशन को बिठा चुका है कि इस खूंटे को वो नहीं तोड़ सकता। वो चाहे जितनी कोशिश करे, खुद को उस खूंटे से आज़ाद नहीं कर सकता। इसलिए भले ही वो मेटल का खूंटा लकड़ी के खूंटे में बदल गया हो, भले ही वो बेबी एलिफेंट खुद 100 किलो के बेबी एलिफेंट से 5,000 किलो के एक बड़े हाथी में बदल गया हो, लेकिन फिर भी वो उस खूंटे को तोड़ने की, उस खूंटे से खुद को आज़ाद करने की कोशिश करना छोड़ देता है और वो अपने दिमाग में इस लिमिटेशन को बिठा लेता है कि ये खूंटा उससे नहीं टूटेगा और वो सिर्फ उतनी दूर ही जा सकता है जितनी की लंबी उसकी वो चेन है जिससे कि वो बंधा हुआ है। इस तरह फ्रेंड्स, हाथी के मन में बिठाया हुआ उसका अपना एक विश्वास, उसकी अपनी असली ताकत से, उसकी अपनी असली शक्ति से जीत जाता है। फ्रेंड्स, अब यह बात मेरे और आपके लिए भी एकदम सत्य है, एकदम ट्रू है। उस हाथी की तरह ही मुझ में और आप में भी अपार शक्तियां हैं, लेकिन अपने कुछ सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स जो शायद हमने अपने अर्ली फेलियर्स या बचपन की मेमोरीज या फिर हमको बचपन में कुछ ऐसा सिखाया बताया गया जिसकी वजह से हम अपने दिमाग में बहुत सारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स पाल लेते हैं, जिसकी वजह से हम अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं कर पाते, हम जो पाने के लायक हैं वो नहीं पा पाते, या हम अपनी लाइफ में जो करने के काबिल हैं वो हम नहीं कर पाते। इनफैक्ट उन सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। फ्रेंड्स,
मुझे आपको यह नहीं करना है, मुझे आपको अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स से बाहर निकालना है, अपनी अंदर जो हमने अपार शक्तियाँ छुपाई हुई हैं उनको रिकॉग्नाइज करना है और उनकी दम पे जो हम वाकई करने के लायक हैं, जो हम वाकई पाने के लायक हैं, हमको वो करना है, हमको वो पाना है। फ्रेंड्स, ये आप कभी मत भूलिए कि आप भी उस एक हाथी की तरह है, उस हाथी की तरह आप में भी अपार शक्तियाँ छुपी हुई हैं। आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, आप पहचानिए खुद के सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को, उखाड़ फेंकिए उस खूंटे को, तोड़ दीजिए उस जंजीर को और करिए खुद को आज़ाद। बाहर निकलिए, आज ही उस एक काम को करने की शुरुआत कीजिए जो आप हमेशा से करना चाह रहे थे लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ की वजह से नहीं कर पा रहे थे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आज की बात आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा कोई नई बात, कोई नया थॉट लेके। आप लोग अपने कमेंट्स करना मत भूलिए। टिल देन, बी हैप्पी, बी स्ट्रांग, बी पॉजिटिव। बाय बाय।